हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ देख सकते हैं आप प्याज है और थोड़ा पंचफोरन लिया है और यहाँ पर मैंने ना आलू लिया है बॉयल और बहुत हरभरी हर, बरी, हर बरी में ये भुजिया मैंने बनाया है या फिर सब्जी कह लीजिए तो चलिए यहाँ पर सरसों तेल का मैंने यूज़ किया है साथ में यहाँ पर डाला है पंचफोरन और चलिए यहाँ पर डाल देते हैं प्याज थोड़ा सा पंचफोरन हो जाएगा तब प्याज़ डाल देंगे और पंचफोरन बहुत जल्दी हो जाता है मेथी को थोड़ा सा होने में टाइम भी लगता है लेकिन पंचफोरन में तो पाँचों मसाले रहते हैं तो बहुत आराम से ये जल्दी जल्दी हो जाता है और यहाँ पर डालें बॉयल डालू तो ये जो मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना ये बस समझिए कि जब बहुत मुझे हर होती है तो बस मैं बनाती हूँ जिस तरीके से ये सब्ज़ी या भुजिया बस वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर डाल देंगे बस नमक और कश्मीरी मिर्च पाउडर और धनिया मसाला पाउडर हल्दी और बस स्वादानुसार नमक डालें इतना मतलब थोड़ा बस सूखा जैसा बनाना है तो बहुत ज़्यादा नमक की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं और ये सब्जी बन के बहुत टेस्टी बनती है सूखी सब्ज़ी बहुत फटाफट बन जाती है और ना सादी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो जारे में जब कभी ना मेरा काम करने का मन नहीं बहुत ज़्यादा करता ना तो बस मैं आलू की यही वाली सिंपल सी भुजिया या सब्जी सूखा सब्ज़ी जो बोलिए बना ती हूँ और बहुत कम मेहनत में यहाँ पर देखिए कसूरी में थोड़ा सा डाल दूंगी तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा तो जब कभी भी विंटर सीजन में ना बहुत कम मेहनत करना हो तो बस यही वाली सूखी सी सब्जी बनाओ एकदम टेस्टी यामी सी और बस सादी रोटी या पराठा के साथ इंजॉय करो बहुत अच्छा सा लगता है खाने में और थोड़ा सा अगर इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए तो और भी बड़ा बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है चलिए इधर रोटी मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी बना लेते हैं और इधर देखो भूज भुजिया तो बस आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोग भी हर बड़ी में कोई 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 ऐसी सब्जी बनाते हैं जो बहुत कम समय में बन जाती मुझे भी शेयर और बहुत मज़ा आ रहा है ठंड भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी है तो बस चलिए फटाफट आ जाइए आप लोग भी सभी मिल कर के खाते हैं बहुत कम मेहनत में बनी हुई ये आलू की भुजिया और ये रोटी और अगर एक बार आप ये बना लिए ना तो बार बार बनाने का मन करेगा तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ना बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे रखें ताकि सारे न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कमेंट्स करें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तो चलिए मैं तो वर्किंग हूँ बस जो जो ईजी स्टेप्स होते हैं ईजी कुकिंग होता है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ फिर फिर मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग